लखनऊ के आलमबाग इलाके में व्यापारी से हुई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट का खुलासा करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी ने कहा कि आलमबाग में व्यापारी से 15 लाख की लूट हुई थी। पुलिस ने लूट में शामिल राजा मिश्रा और लालपाल को गिरफ्तार किया है। दोनों लुटेरों के पास से 5,20,000 नकद, एक तमंचा, 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए लुटेरे राजा मिश्रा के खिलाफ लखनऊ के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। लूट में शामिल अन्य लोगों की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। आप लोग सभी अवगत है कि दिनांक 6/12/2022 को थाना आलमबाग के अंतर्गत एक व्यापारी से पैसे की लूट हो गई थी और उस घटना को जिन लोगों ने भी कारित किया था उनके धरपकड़ हेतु पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रीदेश और पुलिस अपर पुलिस उपायुक्त श्री अली द्वारा भी बहुत अथक प्रयास किया गया। दोनों सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम और पूर्वी और पश्चिम के क्राइम ब्रांच की टीम भी इस पर लगी और अथक प्रयास के बाद दो अभियुक्त जो प्रकाश में आए उनको आज दिना को सीएनडी क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है। उनका